हेलो बच्चे, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ ई एंड बी रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अलोंग। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो ई एंड बी है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो किस डायरेक्शन में होगा। अब देखो, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, राइट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ई एन वेव को। अब देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, राइट, एंड ऑल्सो ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, परपेंडिकुलर ई एन बी दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होता है इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किसके अलोंग होते हैं, ई क्रॉस बी के। ठीक है, तो हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होगा किस डायरेक्शन में होगा, ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में हमारा होता है ई एन वेव्स का प्रोपोगेशन। सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।